हम अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में देखते हैं तो वहां भी एक व्यूह रचना है। मोह कर्म है जो चेतना को मूर्छित बनाता है, मूड बनाता है, उसकी अपनी व्यूह रचना है। प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोजन है कि मोह का जो व्यूह है उसको भी तोड़ना है, व्यूह रचना से बाहर निकलना है। जो व्यूह रचना है उसका संचालन करने वाले दो हैं, अहंकार और ममका। ये दो उसका पूरा संचालन करते हैं और सारा व्यूह उनके अधीन बना हुआ है, अहंकार और ममका। मैं अमुक अमुक हूं, जितनी उपाधियां लगती है अहंकार के कारण लगती है। मैं धनवान हूं, मैं पंडित हूं, मैं अधिकारी हूं, ये सारा अहंकार। और मेरा है घर, मेरा परिवार, धन मेरा, ये ममका, अहंकार और ममकार। अहंकार और ममकार ये दोनों जितने ज्यादा होते हैं उतनी ही समस्याएं बढ़ती है, दुख बढ़ता है। यदि हम दुख का स्रोत खोजना चाहें तो अहंकार और ममकार तक जाना होगा और उससे आगे वह मोह कर्म बैठा है। तो अहंकार और ममकार ये दोनों प्रमुख हैं। ये दोनों एक अपने सहायक तैयार करते हैं, अपनी रचना करते हैं, राग और द्वेष। ये सारी उपज है अहंकार और ममकार की। राग, कहीं किसी के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, राग का भाव पैदा हो जाता है, और किसी के प्रति हमारा द्वेष का भाव पैदा हो जाता है। राग और द्वेष ये दोनों बने, जब राग और द्वेष हैं, उनका अपना संसार है और वे भी अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं और उनकी सृष्टि का उत्पाद है कषाय और नौकषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय। यह राग और द्वेष की सृष्टि है। भय, घृणा, कामवासना, शोक, ये सब राग और द्वेष की सृष्टि है, उनके द्वारा पैदा किए जाते हैं। जब कषाय है आदमी की चेतना रंग जाती है, कषाय का अर्थ यह रंग देना, अपने रंग में रंग देना। व्यक्ति की चेतना कभी क्रोध से रंगी जाती है, कभी लोभ से रंगी जाती है। इस प्रकार शुद्ध चेतना नहीं रहती, एक रंगीन चश्मा आंख पर आ जाता है। जब रंगीन चश्मा होता है हम यथार्थ को नहीं जान सकते। जिस रंग का चश्मा है सारी दुनिया हमारे लिए उस रंग की बन जाती है। तो कषाय का काम है चेतना को रंग देना, और जब कषाय है तो कषाय से फिर योग की प्रवृत्ति होती है। योग, कषाय से योग, यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। इस पर फिर हम ध्यान दें। प्रेक्षा ध्यान का एक आधारभूत सूत्र है भाव जगत, भाव तंत्र उसका आधार है।
मन पर आधारित नहीं है। प्रेक्षा ध्यान की पद्धति मन पर आधारित नहीं है और मानसिक समस्याएं भी उसके लिए गौण बात है। मन गौण बात है, मुख्य बात है भाव, उपाधि भाव, भाव सारा ध्यान भाव पर चलता है। हम जिसे कहते हैं अध्यात्म, आध्यात्मिकता, हमारे लिए आध्यात्मिकता का अर्थ है भाव जगत। भाव तक हम पहुंच जाते हैं वह आध्यात्मिक होता है। मन बाहर का तंत्र है, वचन भी बाहर का तंत्र है, शरीर भी बाहर का तंत्र है, भाव भीतर का है, इसलिए आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिक का एक अर्थ है भीतर में होने वाला आंतरिक, जो है आंतरिक है भाव और मन है बाहर का। तो इसका तात्पर्य यह है कि मन भाव के द्वारा संचालित है, भाव मन के द्वारा संचालित नहीं है। भाव संचालक है। अब पूरे क्रम को आप देख लें कि अहंकार, ममकार, राग द्वेष, कषाय, नौकषाय और फिर योग यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। मन वचन काया ये भाव का कार्य तंत्र है। भाव प्रमुख है और उसका जो तंत्र है, कार्यकारी तंत्र, जो उसका एग्जीक्यूटिव है, वह सारा है मन वचन और कर्म, जो बाहर की क्रिया है। इसलिए हमें मन को महत्व देना है, पर भाव के बाद मन को महत्व देना है। हमारा सारा प्रयत्न मन की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं है, हमारा सारा प्रयत्न है भाव की समस्या को सुलझाने के लिए। भावात्मक स्वास्थ्य यानी हमारा स्वास्थ्य, भावात्मक स्वास्थ्य। जब भावात्मक स्वास्थ्य है तो मानसिक स्वास्थ्य भी हो सकता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी हो सकता है। और भाव तंत्र में अव्यवस्था है तो न मन स्वस्थ रहेगा न शरीर स्वस्थ रहेगा। I'm not afraid of the dark.